शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आज 3 दिवसीय बाल साहित्य उत्सव 2024 का आगाज किया गया। भाषा कला एवं संस्कृति विभाग और किकली चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका रूपा पाई ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में मशहूर कार्टूनिस्ट उदय शंकर और श्रीनिवासन जोशी भी मौजूद रहे। बाल उत्सव में जिला भर के स्कूलों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के 25 वर्ष से कम आयु वाले 250 बच्चे भाग ले रहे हैं। किकली चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष वंदना भागड़ा ने बताया कि मीमांसा बाल उत्सव के 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है, जिसमें सुबह के सत्र में पुस्तक समीक्षा और कविताओं का मंचन हो रहा है, जबकि दोपहर बाद इंटर स्कूल प्रतियोगिता में पोस्टर, स्लोगन राइटिंग और शब्दकोश दक्षता पर सत्र आयोजित करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल उत्सव का उद्देश्य बच्चों को स्कूली सिलेबस के अलावा मैगजीन और दूसरे विषयों को पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित करना है, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। हम बच्चों को स्कूल तक सीमित रखते हैं कि आप जो आपकी सिलेबस की पढ़ाई है वो करिए, परंतु जो पढ़ना और लिखना है वो उससे बहुत अलग होता है। सिर्फ किताबें ही नहीं, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, कुछ भी किसी भी तरीके का पढ़ना लिखना अपने सिलेबस से बाहर बहुत ज़रूरी है और हम उसी चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं। तो इससे हमें मौका मिलता है कि बच्चों को प्रोत्साहन करें और वो आगे जाके लिखने और पढ़ने में अपनी रुचि बढ़ाएँ। वहीं बाल उत्सव में भाग ले रहे बच्चों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। नामी लेखकों के साथ उनकी रचनाओं और कविताओं को लेकर विचार भी साझा किए हैं। यहाँ पे मुझे सीखने को मिला कि कैसे खुद से लिखते हैं, कैसे देखते हैं कि कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं। इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एंटर इन दिस सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड वी आर greatly inspire from such readers and also from the authors, and we are given opportunity to meet the authors. We are often reading their books and we have the opportunity to ask them question about that book, and we were reviewing the book that they had written. नई चीज सीखने को मिली मैम से। मैम ने मतलब बुक में बताया कि वो 4 वुमेन थी, तो इतना पता लगा कि मतलब वुमेन्स के लिए भूटान सेफ है आजकल जैसे इंडिया में हो रहा है, तो मतलब उस हिसाब से भूटान उस टाइम पे सेफ है कि मैम ने बुक लिखी की थी 2004 में और उसके बाद अब पब्लिश हुई है, तो मतलब भूटान सेफ प्लेस है। और यहाँ पे मतलब पेटर्नल और मेटर्नल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लेते, वहाँ पे लिए औरतों ने, तो इट वाज अ क्वाइट गुड थिंग।